अजनी थाना क्षेत्र के चर्चित अपराधी केतन शंबरकर और उसकी गैंग ने रविवार की रात न्यू बाबुलखेड़ा परिसर में जमकर उत्पात मचाया। पहले एक दुकानदार से हफ्ता मांगा, पैसे नहीं मिलने पर उसके साथ मारपीट की और तलवार निकालकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपियों की टोली ने परिसर में कई लोगों के साथ गाली गलौज और विवाद किया। एक युवक द्वारा टोकी जाने के बाद आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया, पत्थरबाजी की और परिसर में खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही अजनी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने केतन शंभरकर सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों में मयूर राजरतन बनकर, बंटी उर्फ निशांत राजरतन बनकर, सूरज उर्फ इल्ली विजय कच्छपी, कुणाल नामदेव बनकर, इमामवाड़ा निवासी अक्की उर्फ अक्षय श्रावण ग्वालवंशी और जयभीम नगर निवासी योगेश बंडू सोनोने का समावेश है। पहला मामला नाइक नगर निवासी वैभव अनिल वासीकर की शिकायत पर दर्ज किया गया। अनिल न्यू बाबुलखेड़ा में पांठेला चलाता है। रविवार की रात 8:15 बजे के दौरान वह अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था, तभी केतन और उसके साथी वहाँ आए। पुलिस स्टेशन अधीन हद में फिरियादी है वैभव अनिल वासेकर, रहना रहा न्यू बाबुलखेड़ा। इन्होंने कल पुलिस स्टेशन में आके तकरार दी है कि उन्हीं के बस्ती में रहने वाले कुछ पुराने क्राइम रिकॉर्ड वाले लोग हैं, केतन शंबरकर, अमित शंबरकर और सूरज उर्फ इल्ली विजय गजबी है। कल रात को 10 बजे जब घर के सामने खड़ा था फिरियादी, ये आरोपी ने वहाँ पर उसको तलवार का धाक दिखाया और उसको बोला कि अगर तेरे को बस्ती में पांठेला चलाना है तो तुझे 5,000 रुपये महीने के खंडनी देनी पड़ेंगी। फिरियादी ने कहा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, हमारा पांठेला बंद है, तो उन्होंने तलवार निकाल के उसके जान से मारने की धमकी दिया। फिरियादी वहाँ से निकल गया। उसके बाद में तीनों आरोपी जो वैभव वासेकर है जिसका पांठेला है, उसे एक साझेदार है केतन शेषकर, ये दोनों मिलकर पांठेला चलाते हैं। बाद में केतन शेषकर के घर के सामने गए और वहाँ भी उसको उन्होंने गाली गुफ्तार किया है और उसको खंडने की मांग नहीं किया है। फिरियादी की रिपोर्ट से हमने पुलिस स्टेशन में कलम 384-385 भाजपी 425 आर मैट के तहत मामला दर्ज किया है और उसका हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन तपास कर रहे हैं। इन्हीं के संबंध में एक दूसरा भी ऑफेंस रजिस्टर है जिसमें हमने उस आरोपी को दूसरे गुने में अरेस्ट किया हुआ है और इस गुने में हम लोग ट्रांसफर कार्रवाई करने वाले हैं। पांठेला चलाना है तो 5,000 रुपए हफ्ता देना होगा, ऐसा केतन और उसके साथियों ने कहा। वैभव ने बताया कि लॉकडाउन होने के कारण धंधा ठप है और वह पैसे नहीं दे पाएगा। इस बात पर केतन और उसके साथियों ने वैभव से मारपीट की, तलवार निकालकर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।